मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा है कि भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में भेजते हैं, वे आईआईटी करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, विदेश जाते हैं और उनमें से ज्यादातर बीफ खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें हमारी संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को नहीं सिखाया है। देखिए, भाषण देना और व्यवहार दोनों दो चीज है। भारत सरकार के मंत्री हैं और भारत सरकार तय करती है सिलेबस, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग और कुछ राज्य सरकारों को भी अधिकार है, उनको सिलेबस तय करके निकाल देना चाहिए और धर्म पुस्तक को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनावे। हम जानना चाहते हैं कि भगवत गीता के बारे में वो कह रहे हैं, आप खुद अपने परिवार को भगवत गीता पढ़ाए हैं। ये देश सर्वधर्म संपन्न रहा है, ये देश अगर गीता की सम्मान करता है तो बाइबिल या कुरान शरीफ का भी सम्मान करता है, ये हमारा और गुरु ग्रंथ साहिब का भी सम्मान करता है। ये विचित्र देश है जहाँ सब तरह के लोग, अनेकता में एकता है, लोग एकता के रूप में जाना चाहते हैं, अनेकता को छोड़ कर करके वैसे लोग बच नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों का सर्वनाश तय है, ये गीता में ही कहा गया है। पोस्टर वार शुरू है नए साल में नए पोस्टर के साथ। जदयू ने हिसाब दो हिसाब लो का नारा दिया और कहा है कि 15 साल बनाम 15 साल। देखिए, देश में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है,